नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल शेर देवी क्लासे। आज हम बात करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स की सब्जेक्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। आज का हमारा विषय है बाइनरी कोड। आगे हम कंटिन्यू करते हुए, अब तक हमने बाइनरी कोड्स के टू फॉर्मेट पढ़े, 8421 मेथड एंड 2421 मेथड। उसी क्रम में आगे का जो मेथड है 84-2-1। 84-2-1 कोड के अंदर हम देखते हैं कि दो डिजिट प्लस के अंदर है, जबकि दो डिजिट माइनस के अंदर है। इसीलिए माइनस आने के कारण इसे नेगेटिव वेट कोड भी कहा जाता है, और साथ ही साथ इसे अननेचुरल बीसीडी कोड भी कहा जाता है। इसे हम सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड भी कहते हैं। अगर हमें किसी भी डिजिट को लिखना है तो 84-2-1 कोड की हेल्प से भी लिख सकते हैं। अभी तक हमने 8421 की हेल्प से डिजिट को लिखा था, जितना भी लिखा था हमने, या फिर हमने लिखा था 2421 की हेल्प से, लेकिन अब हम 84-2-1 की हेल्प से लिखने की कोशिश करते हैं कि जैसे हमें 7 लिखना है तो हम इसको 84-2-1 की हेल्प से लिखने की कोशिश करेंगे। इसके अंदर 7 को हम लिखेंगे जैसे 8 और 4 12, या 4 में से 2 गए 1, 2 में से 1 गया 1, या फिर हाँ, इसमें डिजिट यूज होंगे फर्स्ट और लास्ट, क्यों 8 में से 1 गया 7, बाकी 2 डिजिट बचेंगे नहीं तो यूज में नहीं आए, तो वो उनके लिए हमने 0 लगा दिया। इस प्रकार हमने 7 को लिखा। इसी प्रकार हम 8 को लिख सकते हैं। 8 को लिखने के लिए वही फर्स्ट डिजिट यूज हुई है, बाकी 2 डिजिट हम यूज नहीं हुई। अगर हम यहाँ पे एग्जांपल इसमें 6 की बात करें तो 6 लिखने के लिए भी हम 8 और 2 का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि 8 में से 2 जाएंगे तो 6 बचेंगे और बाकी डिजिट यूज नहीं हो रही, तो इसलिए उसको 0 लिख देंगे। तो इस प्रकार हमें 7 के लिए 1001, 8 के लिए 1000 और 6 के लिए 1010 डिजिट प्राप्त होती है। इस प्रकार हम 84-2-1 कोड का यूज करते हुए भी अपने डेसिमल डिजिट को कन्वर्ट करके लिख सकते हैं बीसीडी कोड में। हमारा यहाँ पर ये कोड पढ़ने का मीनिंग है कि कंप्यूटर केवल 8421 मेथड ही प्रयोग में नहीं लेता, उसके पास और भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं डेसिमल डिजिट को बाइनरी कोड में कन्वर्ट करने के, जैसे कि 2421 मेथड हो गया, 84-2-1 मेथड हो गया, लेकिन बाकी जो कोड है वो सारे अननेचुरल है, लेकिन 8421 जो मेथड है वो एक नेचुरल मेथड है। जब नेचुरल मेथड वर्किंग में नहीं होता है तब कंप्यूटर के अंदर अगर हमने प्रोसेस करने के लिए 2421 मेथड और 84-2-1 मेथड अगर उसके अंदर ऐड कर रखा है तो फिर कंप्यूटर इन दोनों में से किसी एक मेथड के थ्रू अपने डेटा को प्रोसेस करता है। यही एक इसका मेन पर्पज है कि कंप्यूटर में डेटा को किसी और मेथड के थ्रू भी रन करवाया जा सकता है। इसी क्रम में हमारे पास अगला कोड है एक्सेस 3 कोड। एक्सेस 3 कोड को भी हम अनवेटेड कोड कहते हैं। एक्सेस 3 कोड किसी भी डिजिट के अंदर 3 ऐड करके प्राप्त किया जाता है। इस कोड के पास भी किसी तरह का कोई वेट नहीं होता है। अगर हमें किसी भी डेसिमल नंबर का एक्सेस 3 कोड फाइंड आउट करना है तो हम उस डेसिमल डिजिट के अंदर 3 ऐड कर देंगे और हमें प्राप्त होने वाला रिजल्ट एक्सेस 3 कोड होगा। यहाँ पर जैसे कोई एक डेसिमल नंबर है, उसमें बताया गया है किसी भी तरह से डेसिमल नंबर में अगर हम 3 को ऐड करते हैं 011, तो हमें प्राप्त होने वाला बाइनरी इक्विवेलेंट नंबर एक्सेस 3 कोड होगा। इसे हम सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड भी कहते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू अगर हम समझें कि जैसे 7 है, हमें 7 को एक्सेस 3 कोड में अगर कन्वर्ट करते हैं, इसको पहले हम 8421 मेथड के अकॉर्डिंग पहले कन्वर्ट करेंगे। 8421 मेथड के अकॉर्डिंग 7 को हम लिखेंगे 0111। अब एक्सेस 3 कोड में कन्वर्ट करने के लिए 7 में हम 3 को ऐड करेंगे। जब हम इसमें 3 को ऐड करेंगे तो फिर इसमें डिजिट्स हम ऐड करेंगे 0011। 0011 को ऐड करने पर हमें रिजल्ट प्राप्त होगा 110। 1+1 0 कैरी आया था 1, नेक्स्ट 1 आ गया, फिर जो 1 कैरी था वो 1+1 0 कैरी आ गया 1। तो इस प्रकार हमने देखा कि 7 को अगर हम 8421 मेथड से लिखते तो हमें रिजल्ट प्राप्त हो रहा था 011, और अगर हमने एक्सेस 3 मेथड का यूज करते हुए 7 को लिखा तो हमें रिजल्ट प्राप्त हुआ है 1010। इस प्रकार
हम देखते हैं कि एक्सेस थ्री मेथड के अंदर हर बार में 3 ऐड होता जा रहा है, तो इस प्रकार हम एक्सेस थ्री मेथड के थ्रू भी कंप्यूटर के अंदर डेटा को अपने बाइनरी कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी तरह से डेसिमल डिजिट को। ये भी एक अलग तरह का मेथड है बाकी रिमेनिंग मेथड्स की तरह, जैसे 8421 मेथड के अलावा जो रिमेनिंग मेथड थे हमारे पास 2421, 84-2-1, इसी प्रकार एक्सेस थ्री कोड भी उन्हीं के क्रम का है। इसे भी तभी यूज किया जाता है जब हमारे पास अगर 8421 मेथड वर्किंग में नहीं आ रहा है सही प्रॉपर वे में, तो कंप्यूटर फिर एक्सेस थ्री कोड मेथड का यूज करते हुए अपनी कैलकुलेशन को कंप्लीट करता है और एलजेब्रा को जो भी बूलियन एलजेब्रा को उसने परफॉर्म करवाना है उसको एक्सेस थ्री कोड या रिमेनिंग मेथड जो बच गए थे उनमें से किसी एक के थ्रू वो इसे परफॉर्म करवाता है। साथ ही साथ यह कंप्यूटर की एक कोड के ऊपर डिपेंडेंसीज को कम करता है। एक एग्जांपल के थ्रू हमने यहां पर आपको बताया है कि कैसे एक एक्सेस थ्री कोड को एक्सेस थ्री कोड की हेल्प से एक डेसिमल डिजिट को कन्वर्ट किया गया है। 786 की अगर हम देखते हैं बात करें तो हर एक डिजिट को एक्सेस थ्री कोड के अकॉर्डिंग कन्वर्ट किया गया है एक नए नए फॉर्मेट में। कैसे कि 7 का तो हमने देखा 1010 और 8 के लिए 1000 आना था, लेकिन वो 1000 ना आकर के इसके अंदर अब एक्सेस थ्री कोड के अंदर उसकी डिजिट की जो वैल्यू होगी वो होगी 1011। इसी प्रकार 6 के लिए डिजिट जो मिलेगी हमके वो मिलेगी 1001। तो ये हमें इस प्रकार एक्सेस थ्री कोड की कोडिंग अलग अलग फॉर्मेट प्राप्त होती है हर एक डेसिमल डिजिट के जब हम इसे बीसीडी कोड में कन्वर्ट करते हैं। इसे भी बीसीडी कोड ही कहा जाता है एक तरीके से, लेकिन ये एक अनवेटेड कोड है और एक अननेचुरल प्रोसेस है। नेचुरल प्रोसेस 8421 ही रहेगी, इन्हें वर्किंग में तभी लेंगे जब वो पूरी सही प्रॉपर वे में वर्किंग नहीं करेगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही साथ कमेंट करना ना भूलें। आगे के जो कोड हैं जो बच गए हैं उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।